हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग में एक लड़का से दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन के ऊपर बहुत ऊँची ऊँची बात कर रहा होता है, और तभी उसके पीछे कष्ट पीरियड आती है और उसके बाद आ जाता है अपना ओपनिंग सॉन्ग। ओपनिंग सॉन्ग खत्म होते ही बताया जाता है कि उस लड़के का नाम होता है कनाडा टाइची, और उसके बाद दो लड़कों का और नाम बताया जाता है और उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये भी उसी सर्कमस्टांसिस के अंदर मरे हैं जैसे कि ये अपना कनाडा टाइची मरा होता है। ये सारी चीज़ें एक लड़की अपने फुजिगिरो और इतातोरी को बता रही होती है जो कि गाड़ी में जा रहे होते हैं। उसके बाद अपना फुजिगिरो बोलता है कि इन दोनों की डेट और लोकेशन किसी की भी मैच नहीं कर रही है, क्या इसी सेम कर्स्ड स्पिरिट ने इन सबको मारा हो सकता है। और उसके बाद अपना इतातोरी बोलता है कि क्या एक कर्स्ड स्पिरिट डोर लॉकर को भी मतलब कुछ कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है, क्योंकि जो कर्स्ड स्पिरिट होती है वो कैमरे में नहीं आती है। तभी वो लड़की जो गाड़ी चला रही होती है वो बोलती है कि जो कर्स्ड स्पिरिट होती है वो एक डोर लॉकर को ख़राब कर सकती है, मतलब सेंसर को, जो कि डोर लॉकर सेंसर होता है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि जो भी ये तीनों लड़के थे ये दोनों तीनों इकट्ठे पढ़े थे मिडिल स्कूल में 2 साल के लिए, और इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। उसके बाद वो लड़की फिर से बोलती है कि हम सब उनके स्कूल में जा रहे हैं ताकि हम तीनों के बीच में कोई कनेक्शन बना सकें कि इनकी मौत कर्स्ड स्पिरिट से क्यों हुई। फिर उसके बाद जहाँ पे वो चारों उस एक लड़के और से मिलने जा रहे थे जिसका कि उन तीनों से कनेक्शन होता है, वो वहाँ जाके पाते हैं कि वो भी लड़का मरा होता है वैसे ही सेम तरीके से जैसे बाकी तीनों भी मरे होते हैं। और उसके बाद वो चारों वहाँ से निकलते हैं और उनके स्कूल में चले जाते हैं। उसके बाद जो वो येलो हेयर वाली लड़की होती है उसका नाम होता है अकारी। तो अकारी यहाँ पे बाकी तीनों को बोलती है कि मैंने उसकी फैमिली से पूछा, बट उसकी फैमिली ने बताया कि हमें नहीं पता कि इस लड़के का उन तीनों के साथ क्या कनेक्शन था, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ यही लीड है। और ये बोल के वो बेचारी थक ऐसे मतलब वियर्ड सा रिएक्ट करती है। उसके बाद वो चारों आगे जाती हैं स्कूल में कि वहाँ पे एक दो लड़के वहाँ पे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और वो दोनों लड़के उनको देखते ही मतलब ऐसे एकदम से झुक के प्रणाम करते हैं, और जिसको देख के अपनी नोबारा और अपना ही तोरी खुश हो जाते हैं कि हाँ ये हमसे डर गए। बट उसके बाद वो बोलते हैं कि फुजिगिरो हमें आपको देख के बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके बाद वो दोनों फुजिगिरो को बोलते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम इस मिडिल स्कूल में पढ़े हो। अपनी नोबारा पूछती है उन दोनों लड़कों से कि तुम्हारा इसके साथ क्या कनेक्शन है फुजिगिरो के साथ, तो वो बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे गैंग मेंबर्स थे सबको फुजिगिरो ने एक एक बार पीट रखा है। अभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन से भागा भागा आता है और वो बोलता है कि दूसरे स्कूल के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है। और उसके बाद अपनी अकारी से आगे आके बोलती है कि हमें यहाँ पे अंदर आने की परमिशन है, और उसके बाद वो बूढ़ा जी बोलते हैं तुम सब तो बड़े ज़्यादा जवान हो। उसके बाद वो ओल्ड मैन उनको बताते हैं कि मेरे को उन चारों की डेथ का बहुत ही ज़्यादा सदमा सा लगा है सुन के कि उन चारों की डेथ क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने यहाँ से 20 साल पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी थी। बाद अपना फुजिगिरो बोलता है कि उन चारों में कोई भी ऐसा डार्क र्यूमर या कोई कनेक्शन हो या कोई इल ओमेन हो कि मतलब कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पे वो चारों इकट्ठे होते हो। तो उसके बाद वो दोनों जो वहाँ पे लड़के होते हैं जो स्टार्टिंग में मिलते हैं उनको वो बताते हैं कि यहाँ पे एक ब्रिज है कि जिसको लेके कि बहुत ही ज़्यादा बातें होती थी। तो उसके बाद वो फुजिगिरो बताता है कि वो ब्रिज एक सुसाइड स्पॉट है जहाँ पे सब जाने से डरते थे क्योंकि उसको थोड़ा सा भूतिया माना जाता है। और उसके बाद अपने जो बूढ़ा अंकल होते हैं ओल्ड मैन होते हैं वो बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ था कि वो चारों यहाँ पे एब्सेंट थे स्कूल में, तो हमने उनके घर पे फ़ोन करके पूछा तो उनके घर वाले भी बोलते हैं कि वो घर पे भी नहीं है। और उसके बाद वो बूढ़ा जी बताते हैं कि उस दिन वो ब्रिज के नीचे चारों बेहोश मिले थे जब उनकी छानबीन शुरू की गई थी। और उसके बाद वो चारों बाहर आ जाते हैं और आपस में खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे फुजिगिरो बोलता है कि ऐसी जगहों पर जो जो सोर्सेज होते हैं वो हर रोज़ वहाँ पे जाके चेकिंग करते हैं कि ताकि वहाँ पे कोई भी कर्ज स्पिरिट ना अपना मतलब रहने के लिए जगह बना ले और बाकी सबको डराए। और वैसे भी वो जो ब्रिज है उसको लोकल्स नॉर्मल पैसेज के लिए यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। और उसके बाद पीछे से अपने ओल्ड मैन फिर से आते हैं और फुजिगिरो को बोलते हैं कि सुमिकिकू कैसी है, वो ठीक है? तो उसके बाद फुजिगिरो बोलता है कि हाँ। और उसके बाद अपना इतातोरी पूछता है ये सुमिकिकुन कौन है, तो अपना फुजिगिरो बताता है कि वो मेरी बड़ी बहन है। और उसके बाद दोबारा बोलते हैं तुमने तो कभी भी आज तक हमें बताया ही नहीं। और उसके बाद सीन चेंज होता है, अपना माहितो और गेटो दोनों खड़े मतलब एक साथ होते हैं, और अपना माहितो बैठा होता है और उसके सामने एक तीन कर्ज मतलब ऑब्जेक्ट से रखे होते हैं जिनको देख के माहितो अपना बोलता है कि अगर उनके पास इतने खतरनाक कर्ज ऑब्जेक्ट है तो वो इनको ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो वहीं पर अपना गेटो बोलता है कि वो इसको मार नहीं सकते हैं इसलिए वो इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं एक जगह पर ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुँचा सकें। और वहाँ पे माहितो ने एक लड़के को पकड़ा होता है और उसके बाद माहितो उसके मुँह में एक कर्ज ऑब्जेक्ट डाल देता है।
बाद फिर से सीन चेंज होता है, अपने तीनों स्टूडेंट्स वहाँ पे ब्रिज पे जाते हैं ताकि वहाँ पे कुछ हो और उनको पता लगे, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ अपने माहितों ने उस लड़के के अंदर कर्ज ऑब्जेक्ट जो डाला होता है वो एक कर्ज स्पिरिट में चेंज हो जाता है। उसके बाद अपने तीनों स्टूडेंट्स और अकीरा वहाँ पे चारों वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आते हैं बाहर एक शॉप पे, और वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो कि उनको स्कूल में मिला होता है अपनी बड़ी बहन को लेके। तो वो उसकी बड़ी बहन को पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता है उस ब्रिज में और उन लड़कों के आपस में कुछ कनेक्शन के बारे में। तो वो लड़की बताती है कि मेरे को उनके बारे में तो नहीं कुछ पता, बट एक बार मैंने जब रात को मैं उस ब्रिज पे गई थी तो मेरे को कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा था। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो कि शॉप चलाते हैं, तो उस शॉप में एक दिन दरवाज़ा खुला था और वहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि कुछ नहीं है, ये जस्ट कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो दरवाज़ा खुला, बट मेरे को कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना सा वहाँ पर फील हुआ था। उसके बाद अपना फुजगिरो पूछता है कि जब तुम उस ब्रिज पे गई थी तो क्या तुम किसी और के साथ भी गई थी, और वहाँ पे वो लड़की बताती है कि हाँ मैं उस ब्रिज के साथ दो के साथ गई थी और उन दोनों बंदों के साथ, उन दो जनों में से एक सुमिकिकुन थी, जो कि सुमिकिकुन मतलब अपने फुजगिरो की बड़ी बहन होती है। और उसके बाद अपनी अकीरा से बोलती है कि ठीक है मैं इन बच्चों को घर पर छोड़ के आती हूँ। तो और वहीं पे अपना फुजगिरो एकदम जैसे फ्री सा हो जाता है, मतलब घबराहट सी होने लग जाती है उसको। वहीं पे अपना इतरी उसको बोलता है कि तुम बाहर आओ और इस अपने मतलब घबराहट से कुछ नहीं होगा, हम सबको बचा लेंगे। और उसके बाद फुजगिरो अपने चाची सा को बोलता है कि मेरी बहन को कोई भी एक मतलब प्रोटेक्शन दी जाए, उसके पास कोई भी जुजुत्सु छोड़ा जाए। तो वहाँ पर चाची सा बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक सेकंड ग्रेड का जुजुत्सु सोर्सर है, और जिसको सुनकर अपना फुजगिरो थोड़ा बोलता है कि हमारे पास ऊपर वाले रैंक का कोई नहीं है। तो उसके बाद चाची सा बोलता है कि नहीं, सबके सब जुजुत्सु सोर्सर बिजी हैं बहुत ही ज़्यादा, और हम ये कर सकते हैं कि तुम मतलब इसको छोड़ के, मिशन को छोड़ के तुम वापस अपनी बहन के पास चले जाओ उसको प्रोटेक्ट करने। तो वहाँ पर अपना फुजगिरो बोलता है कि क्या मेरे को वापस जाना चाहिए। और उसके बाद अपना फुजगिरो सोचता है कि नहीं, मेरे को इन दोनों को भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए इस मिशन से, क्योंकि ये मिशन भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और उसको सोचता है कि क्या मैं गोजो सेंपाई को बोलूँ अपनी सिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, बट फिर वो सोचता है कि वो भी कहीं और गए हुए हैं तो वो तो नेक्स्ट वीक आएंगे, और क्या पता इसी वीक में उसके ऊपर अटैक ना हो जाए। और उसके बाद अपना फुजगिरो पता नहीं क्यों इदातोरी और नोवारा को बोलता है कि ये मिशन किसी और के लिए साइन हो गया, तुम दोनों यहाँ से जाओ। और वो बोलता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त टाकेडा को मिलने के बाद आऊँगा। और उसके बाद फुजगिरो अपने उस फ्रेंड से पूछता है कि वहाँ पे नीचे जाने का तरीका क्या है ताकि मैं उसका स्पीड से मिल सकूँ। तो वो पे उसको फुजगिरो को बताते हैं कि तुम्हें मतलब नीचे वाले रास्ते से जाके ब्रिज के नीचे जाना होगा। तो वो उसने बोला कि वैसे तो इधर भी गया था, तो वो बोलते कि ऊपर से नहीं जाना है, तुम्हें नीचे वाले रास्ते से जाना होगा। तो वहाँ पर फुजगिरो सोचता है कि शायद वहाँ पर कोई इनकम्प्लीट डोमेन बना होगा, जिस वजह से कि जब भी वहाँ से नीचे से उस बैरियर के अंदर एंटर होगे तभी आप उस कर्ज स्पिरिट को मिल सकते हो। और जैसे ही फुजगिरो वहाँ पे ब्रिज के नीचे से पहुँचता है वहाँ पे, तभी उसके पीछे अपने इदातोरी और नोवारा भी उसके साथ आ जाते हैं, जिसको देख के अपना फुजगिरो थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुश भी होता है, बट बाहर ऐसे प्रटेंड करता है कि तुम दोनों मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो। और फिर यहाँ पे अपना फुजगिरो बताता है कि जो उसकी सिस्टर होती है वो अभी भी बेड रेस्ट पे होती है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक कर्ज स्पिरिट ने अटैक किया होता है, और उसको ये भी नहीं पता कि कब अगली कर्ज स्पिरिट उसके ऊपर अटैक कर दे तो उसको मार दे। और इसीलिए फुजगिरो बोलता है कि मैं उस कर्ज स्पिरिट को यहीं पर अभी इसी वक्त मारना चाहता हूँ। उसके बाद अपने तीनों ही स्टूडेंट्स उस बैरियर के अंदर एंटर होते हैं जो कि उसको रिवर पार करते ही होता है, और उसके बाद वहाँ पे अपनी कर्ज स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और तभी वहाँ पे एक और कर्ज स्पिरिट आ जाती है जिसको कि आपने देखा एपिसोड में, उसको माहितों ने ऑलरेडी अभी बनाया होता है। तो दोनों कर्ज स्पिरिट्स वहाँ पे हो जाते इकट्ठा, और जो नई कर्ज स्पिरिट होती है उसको देख के अपने इदातोरी बोलता है कि ठीक है इसके साथ मैं लड़ूंगा और तुम दोनों दूसरी कर्ज स्पिरिट के साथ लड़ोगे। और बस यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे मैड, बाय बाय एनिमी लवर्स, सायोनारा।